मेरा ये पहला ट्रिप है इंदौर में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं मिलती जा रही हूँ लोगों से सुबह से ही, तो काफ़ी वार्म है, अच्छे हैं, प्यारे लोग हैं यहाँ पर. नो बडी इज़ लाइक यू नो एटीट्यूड नहीं, टेंशन्स नहीं है, सब डाउन टू अर्थ है. एंड आई एम हैप्पी दैट मैं एक अलग अलग सिटी में आई हूँ, अलग लोगों से मिल रही हूँ और खुश हूँ. मैं सिर्फ भरतनाट्यम ही नहीं बल्कि एक कथक एक्सपोनेंट भी हूँ. कथक में भी मैंने डिग्री प्राप्त की है. ऐसा है कि बचपन से ही मुझे डांस में बहुत शौक था, तो क्योंकि डांस में आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, ग्रेस मिलता है, बॉडी पोस्चर मिलता है, तो ये एक्टिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है. और एक्टिंग में भी सेम चीज़ें काम आती है, एक्सप्रेशन, ग्रेस, पोस्चर, तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड है, मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है. तो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड देन आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आई स्टिल विश टू गो ऑन एंड ऑन. मैंने कभी कोई थिएटर नहीं किया है, ना ही कोई एक्टिंग के लेसन्स लिए हैं या एक्टिंग क्लासेस गई हूँ, कुछ नहीं, नो वर्कशॉप्स, नथिंग एट ऑल. मैं बस जैसे जैसे मैंने कहा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, शोज़ मिले, मैंने उन्हीं शोज़ में अपने आप को पॉलिश करने की पूरी कोशिश की और कर रही हूँ और करूँगी. सो दैट्स माई लर्निंग क्लास, मेरी यही क्लासेस है कि हर शो में अलग अलग चीज़ें सीखो, अलग अलग एक्टरों से, भले ही वो सीनियर हो जूनियर हो, नॉलेज इज़ एनी नॉलेज इज़ गुड, तो कहीं से भी आप सीख सकते हो. सो इट्स नॉट नेसेसिटी कि सीनियर एक्टर उससे ही सीख सकते हो, आपसे जो जूनियर है कई बार होता है कि कुछ चीज़ें उनमें भी अच्छी होती है, तो आई गेट टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. देखिए बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छे लोग हैं, स्पेशली को एक्टर्स भी, टीम भी, प्रोडक्शन हाउस भी, सब बहुत अच्छे हैं. एंड जैसे कि आपने खुद ही कहा कि उनकी पहली बीवी है, उनकी चहेती बीवी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में, उनका पिलर है, सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है. और जो भी उनकी लाइफ में आज तक हुआ है, वो जब देखे थ्रू ही यू नो उन्होंने सोचा है, समझा है, डिसीजन लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, स्पेशल फील होता है, क्योंकि कैरेक्टर भी इतना अच्छा है और रियल में भी, देन यू नो यू फील नाइस अबाउट इट. सो या ऐसा है कि हर लड़की को अपनी लाइफ में एक रानी बनना होता है या प्रिंसेस प्ले करना होता है, एंड व्हेन यू गेट टू प्ले इट, सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है. रियल लाइफ में तो प्रिंसेस ना बन पाओ, लेकिन एटलीस्ट रियल लाइफ में तो प्रिंसेस बनने का मौका मिला. एंड आई एम हैप्पी कि आई एम गेटिंग टू वेयर सच हैवी ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, लाइक आई एम गेटिंग टू लिव द लाइफ जो पहले लोग जीते थे, एंड आई एम प्राउड अबाउट इट. या मेरा जो शो था एक मुट्ठी आसमान, वो बंद हो गया, एंड देन उसके दूसरे दिन मैं ऑडिशन के लिए चली गई. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉन्टिलो प्रोडक्शन, आई वेंट फॉर द ऑडिशन, और फिर दो दिनों के बाद मुझे पता लगा कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ, एंड मेरे ऑपोजिट शरद मल्होत्रा भी है. तो फिर बहुत, मतलब दो तीन मॉक शूट्स हुए और फिर बाद में फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इंसान है वो, और हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत पसंद है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी लोग हमें अप्रिशिएट करें और पसंद करें. यस डेफिनेटली ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एज महाराणा प्रताप, एंड ही इज़ द राइट चॉइस फॉर इट. बस यही कहना चाहूँगी. देखिए मैं तो अकबर को जानती नहीं हूँ पर्सनली, मतलब अजबदेव अकबर को नहीं मिली है कभी, लेकिन हाँ अजबदेव ने अकबर के बारे में सुना है. तो अजबदेव यही चाहेगी कि उनके पति जीते और अकबर ना जीते, और वो पूरी कोशिश करेगी, पूजा पाठ में लगी रहेगी कि प्रताप ही जीते, प्रताप ही जीते, पर अभी आगे देखो क्या होता है, लेट्स सी. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है, आई लव ट्रैवलिंग, डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है. एंड जी मैं आज ये सब जो भी है, मेरे जो इवेंट्स लाइंड अप है, जल्दी जल्दी ख़त्म करके बस खाने की बारी आने वाली है.